दोस्तों मैं बताना चाहूँगी भैया के चैनल के माध्यम से कि दिन 15 तारीख को हम दो प्राणी गए थे विष्णु जी से मिलने और मिल के आए हैं। तो वहाँ जाने के बाद भैया जब जाते हैं तो वहाँ मिलने का कुछ तरीका अलग रहता है, और जैसे चिड़ियाघर होती है ऐसे जाली बनी रहती, जाली उस पार हो जाली इस पार हो। वहाँ जाते हैं, पहुँचते तो मैं रोने लग जाती हूँ और विष्णु जी भी रोने लग जाते हैं, और एक मिनट तक हम लोग रोते ही हैं। उसके बाद में मैं पूछती हूँ भैया कैसे हैं, बोलते ठीक है। तो उसके बाद में मैंने पूछा यहाँ कोई दिक्कत परेशानी, बोले जेल तो जेल ही होता है भाभी, और बताइए। भैया से पूछने लगे भैया आप कैसे हैं, तो ये भी बताए हम भी सही ठीक हैं। बस सही कह रही हैं कि देखिए काफ़ी दिन से और काफ़ी समय से चंदा भाभी और कर्मचंद भैया विष्णुराज को जानते भी हैं, शायद उनके साथ काम भी किए हैं, वीडियो भी शूट किए होंगे, जब भी गए होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ किए होंगे, तो लोगों का एक लगाव बना हुआ था। लेकिन कोई कभी सोचा नहीं था कि विष्णुराज या मालती चौहान के साथ ऐसा हो जाएगा। अभी देखिए उनके ऊपर आरोप है कि वो दहेज के लिए अपनी पत्नी की जान ली है, इसीलिए उनको जेल में डाला गया है। अभी आगे क्या होगा हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। भैया आप ये बताइए, कुछ बात हुई वहाँ पे, किसी से मुलाकात करना चाहते हैं वो? देखिए मुलाकात अगर करना चाहते हैं सिर्फ अपने बेटे से, ज़्यादा प्यार उनको अपने बेटे से है, प्यार अपने बीवी से था, बीवी वो चली गई, बहुत उनको तकलीफ़ है। वो भी कहते हैं करमचंद भाई हमको भी इंसाफ चाहिए, हमारी बीवी गई है, हम लोग मिलते हैं बस, ज़्यादा कुछ वहाँ बात नहीं हो पाती है। हमने कहा यार ये हंसता खेलता हो परिवार, ज़िंदगी उजड़ गई, 3 साल आप लोग साथ में थे, ऐसा क्या हो गया था, आप लोग ऐसा क्यों किए? तो कुछ भी नहीं वो बोलते हैं, बस आँख में आंसू, बस यही कहते हैं भैया मैं निर्दोष हूँ, यही मेरा सवाल है। अगर मैं दोषी होऊंगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, मुझे सरकार सज़ा देगी, और मैं निर्दोष हूँगा तो मैं बाहर आऊँगा, आप लोग खुद जानेंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि दोस्तों मालती जी को न्याय मिले, चाहे विष्णु जी को न्याय मिले, उनके बेटे को न्याय मिले, अर्जुन को न्याय मिले। अर्जुन का भी नाम आ रहा है, जब तक जांच का विषय है, जब तक जांच करके पुलिस बताएगी तब तक पता नहीं चलेगा क्या क्या है। आप कह रहे हैं कि अपने बेटे से मिलना चाहते हैं वो, युवराज से, जाहिर सी बात उनके पिता हैं तो भाई उनको तो मिलना, उनके लिए मिलना तो चाहिए, लेकिन उनका बेटा जो युवराज इस समय अपने ननिहाल में है और उनके ननिहाल वाले दहेज प्रथा का आरोप लगाए हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो ले जाके विष्णुराज से मिलवा सकते हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग कह भी नहीं सकते हैं उनसे कि आप ले जाइए ना ले जाइए, अगर ले जाना हो जैसे घर वाले वो बहुत प्रसन्न नहीं रखे हैं, ये बोल रहे थे कि भाभी बाबू से मुलाकात नहीं हो पाएगा। तो हम बोले भैया कैसे हम बता सकते हैं, बाबू तो नानी के पास है और हम कैसे बताएं। कह रहे चलिए ठीक है कोई बात नहीं, बाकी जो लोग कहते हैं कमेंट के माध्यम से और बहुत सारे वीडियो में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जेल में बीवी के गम नहीं है और प्रेमिका के गम है, तो साहब हम हाथ जोड़ के सबसे कह रहे हैं कि उसको अपने बीवी के जाने का बहुत गम है, अपने बच्चों को लेके बहुत गम है। आप नहीं विश्वास मानते हैं हमारे तो आप लोग एक बार जाके जेल में मिलिए, खुद आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं हमारे, जब से मैं मिल के आए बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन मांग नंबर मांगते कैसे मिला जाएगा। हमने कहा वो आप उनके घर पर जाइए, उनके पिताजी से बात करिए, उसके बाद आप जाके मिल सकते हैं। देखिए ये मामला तो अभी प्रशासन के समक्ष है, प्रशासन जो इसमें कार्रवाई करेगी, जांच पड़ताल करेगी, लेकिन आप लोग भी उनको जानते थे, हाला हम भी जानते थे, लेकिन आप लोग से ज़्यादा तो नहीं जानते हैं मालती चौहान, विष्णु राज या इन लोगों को। फिर भी क्या लगता है, जैसे देखिए आप अपने तरीके से भी ये कह सकते हैं कि क्या विष्णु राज ऐसा कर सकते हैं? मैं ये नहीं जानता हूँ, किसी के माथे पर लिखा नहीं है कि कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। ये जो भी अगर मालती जी की मृत्यु हुई है तो वो प्रशासन जांच करके बताएगा क्या हुआ है, इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि दोषी है कि निर्दोष है। अगर दोषी है तो सज़ा मिले, निर्दोष है तो बाहर आए, बस एक सवाल मेरा है और ज़्यादा नहीं। भाभी वहीं पे उनके पिताजी कहते हैं कि दहेज के लिए उन्होंने ऐसा किया है, जो फिर उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएँ जो आ रही हैं, वो कहना है उनका कि जो विष्णुराज अपनी बीबी के लिए इतना सब कुछ कर सकता है वो कैसे जान ले सकता है, कहीं सोचने वाली बात तो है भाई। तो ये तो भैया सही कह रहे हैं, किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि कौन क्या कब कर सकता है। बिल्कुल, जहाँ तक मैं भी अपने मन में सोचती हूँ कभी कभी कि ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं और ऐसे ऐसे हो भी गया, इतना बड़ा कांड हो भी गया
तो जो इंसान अपने बीवी के लिए 1.5 लाख के हार देता है, जो इंसान अपने बीवी को 4 लाख के बुलेट देता है, जो इंसान 10 लाख के अपने बीवी के लिए गाड़ी खरीदता है, जो इंसान 7 लाख 8 लाख के स्टूडियो अपने बीवी के नाम बनवाता है, वो इंसान कर कैसे सकता है? ये सब सोचने की बात है, बस सोचने, और तो हम बात सोचने की बात है कि वो इंसान ऐसा कर नहीं कैसे कर सकता है, दिमाग नहीं काम करता है। तो ये पुलिस प्रशासन की बात है, पुलिस प्रशासन जांच करेगी और बताएगी क्या सही है क्या गलत है। मैं हाँ भी नहीं कह सकती हूँ, ना भी नहीं कह सकती हूँ, वो प्रशासन का विषय है। वैसे भी हमारे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी की सरकार है, बहुत टाइट प्रशासन है, जो भी न्याय होता है सही तरीके से न्याय होता है, जांच करके अपने आप निष्पक्ष कर देगी विवेचना होने के बाद। देखिए विष्णुराज दोषी हैं या निर्दोष हैं तो प्रशासन तय करेगी, कोर्ट तय करेगा, लेकिन अगर वो मांग कर रहे हैं, अगर चाहते हैं तो प्रशासन से हो सकता है, प्रशासन को भी, जेल के प्रशासन को भी अवगत कराया हो कि हमारे बेटे से मिलवाया जाए, तो उनके घर वालों को, उनके नाना को तो चाहिए ना कि ले जाकर उनके बाप से मिलवा दें। अब हम इस सब नहीं बता सकते हैं, अब ये पुलिस प्रशासन के मतलब बात है, वो कैसे क्या कर सकते हैं। इस पर करें कि पिता है वो, मिलवाना तो चाहिए ना। जी बिल्कुल मिलवाना चाहिए, पर हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप पुलिस प्रशासन के काम है। अब विष्णु जी मिलना चाहते हैं तो पुलिस से कहें कि घरवाले से मिलना, घर वाले लेके जाएं मिलवाएं, अब उनका काम है, अपन घर वाले जाएंगे बताएंगे, लेकिन हम लोग अरे कोई नहीं मिलवाएगा। वहीं पे हमने विष्णुराज के पिताजी से जब पूछा कि क्या विष्णुराज से आप मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। लोगों के इतने कमेंट आए कि विष्णुराज इतने पैसे कमाते थे, क्या उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि जेल में जाके मिल सकते हैं? नहीं भैया, आप उनके घर गए होंगे तब भी ठीक है, और आप देखे होंगे उनकी स्थितियाँ तब भी ठीक है, नहीं देखे होंगे तब भी ठीक है। और मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ जितना मैं जानती हूँ, मैं बहुत नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं दूर के हूँ, अयोध्या जिला से हूँ। वो अपने माता पिता उनके आज भी मजूरी करते थे, तब भी मजूरी करते थे, और वो लोग अलग बनाते खाते थे और अलग आज भी बना खा रहे हैं, तब भी बना खा रहे हैं। विष्णु भैया और भाभी अलग रहते थे और अलग अपना बनाते खाते थे। लेकिन अगर जिसका बेटा, जिस बेटे को एक माँ बाप पाल पोस के पैदा करके इतना बड़ा किए हो, और अपने माँ बाप को इस हालत में जब बुजुर्ग हो चुके हैं इस हालत में छोड़े, तो उस बेटे को लोग क्या कहेंगे? गलत बात है। और अगर विष्णुराज जी इतना पैसा कमा रहे थे तो वाकई में उनको साथ रखना चाहिए था, उनका पालन पोषण करना चाहिए था, उनको पैसा कौड़ी देना चाहिए था, ये सत्य है। क्योंकि अगर माँ और बाप अगर पैदा करते हैं कि बुढ़ापे पे मेरा सहारा बने, अगर ऐसा कोई बेटा भी नहीं करता तो उसके लिए घिनौना काम है, एक धिक्कार है। बाकी अब वो जाने, उनका परिवार जान सकता है क्या था क्या नहीं था मामला, वो ही जान सकते हैं। वो आएंगे तो खुद आप लोग पूछेगा क्या पैसा क्यों किया। मौली थाने में 10 तारीख की घटना है, 9 तारीख को चंदा भाभी, 9 तारीख थी उनकी सुलहवीं, 9 तारीख थी, चंदा भाभी गए थे, करमचंद भैया भी गए थे, हम लोग भी वहाँ गए थे। 9 तारीख के बाद 10 तारीख को वहाँ पे थाने में हंगामा होता है, तो वहाँ के उनके पिताजी से जब हम लोगों ने इस पर बात करने की कोशिश की कि आखिर जो किन्नरों द्वारा, मालती चौहान के पिता से, जो किन्नरों द्वारा थाने में ऐसा किया गया है, क्या आप उनको बुलाए थे? तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने नहीं बुलाए थे। और वहाँ एक नेहा किन्नर थी, उसने कहा कि हम वहाँ बुलाए थे, आप लोग भी थे। तो क्या उनके पिताजी आप लोगों को भी बुलाए थे? नहीं, इस मामले में हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। जब हम लोग वीडियो देखे हैं तब पता चला कि थाने पे ऐसे ऐसे हंगामा हो गया। हम लोग को ये सब पूरी कुछ नहीं जानकारी है। हम वहाँ 9 तारीख को पहुँचते हैं 10 बजे सुबह, और शाम 7 बजे वहाँ से वापस हो जाते हैं 10-11 बजे। नहीं, 9 तारीख को, 9 तारीख को हम सुबह पहुँचते हैं 10 बजे। मेरी बात पूरे ध्यान से सब लोग सुनिए, और मैं 9 तारीख को सुबह 10 बजे पहुँच जाती हूँ, 10 के 11 बजे के बीच में, और वहाँ से मैं शाम को 7 बजे वहाँ से निकल, शाम को 7 बजे वहाँ से मैं निकल आती हूँ अपने घर को, क्योंकि मैं गाड़ी से गई थी, गाड़ी बुक करा के, और बहुत सारे हमारे साथ महिलाएं थी, बहुत सारे यूट्यूबर थे, तो हम लोग साथ में गए थे, हम चले आए थे। इस मामले के बारे में मुझे नहीं पता है, जब हम वीडियो देखे 10 तारीख को शाम को, तब हमको पता चला कि ऐसा ऐसा बात हो गया। यानी आप लोगों को उनके पिताजी नहीं कहे थे कि आप लोग भी चलिए हमारे साथ न्याय दिलवाने? नहीं, ऐसा वहाँ कोई बात नहीं हुई भैया। वहाँ तो मालती को लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे, और खाना पीना लोग खाई, एक दूसरे से लोग मुलाकात किए, एक दूसरे से लोग बातचीत किए, बस ये मामला था। वहाँ ऐसा कोई बात नहीं हुआ था, और जब तक मैं थी वहाँ कोई किन्नर माताई भी नहीं थी। जी, अभी जो आरोप पुलिस के द्वारा लगाया गया है गोरखपुरिया बहूजी राधाराज और गोलू के ऊपर, हालांकि गोलू तो अभी जेल में है, आप लोग इस पर क्या कहेंगे? ऐसा करना चाहिए था, या फिर जो इन लोगों के ऊपर आरोप लगा है ये सही हो सकता है?
देखिए जेल में ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है, जो भी थाने में हुआ है, जो भी हुआ गलत हुआ है, पर मैं किसी को ये नहीं कह सकती हूँ कि कौन किया है और किन्नर माताएं कैसी आई कैसी नहीं आई ये मुझे नहीं पता है। जब से आप विष्णु राज से मिलकर आई हैं आप दोनों लोग, तब से कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पे, कोई आपको गाली दे रहा है, आप इधर से उसके प्रतिक्रिया में दे रही हैं, कोई गोरखपुरिया भौजी की तरफ से बोल रहा है, कोई राधाराज की तरफ से बोल रहा है, तो राधाराज अपना बना के दे रही हैं। हालांकि राधाराज गोरखपुरिया भौजी हम आपको बता दें कि फरार हैं, नोटिस घर पे लगी थी। जब राधाराज के घर हम लोगों ने गया नोटिस के बारे में जानकारी लेने के लिए, उनकी माँ से पूछा तो उनकी माँ ने कहा उनका बेटा जेब में लेके घूम रहा है। हमने इस पर सवाल किया कि अगर प्रशासन आपके घर पे नोटिस लगाई है तो आपका बेटा क्यों लेके घूम रहा है, तो उस समय इनसे हमने पूछा कि राधाराज हैं कि नहीं है, तो उन्होंने ये बताया कि राधाराज 10 दिन से फरार हैं, जबकि मामला 2-4 दिन से चल रहा था, तो 10 दिन से राधा कैसे फरार होती हैं। लेकिन उसी समय उनकी माँ फ़ोन लगा के और अपने पास रखती हैं और सारी बातों को राधाराज को सुनाती हैं और राधाराज उसी पर वीडियो बनाते हैं। कुछ मीडिया वाले जाकर हमारे घर पर हमारी माँ से पूछ रहे हैं, राधाराज एक बात आप सुन लो, आप एक आरोपी हो जिनके ऊपर 9-9 धाराएं लगी हुई हैं और घर से आप फरार हो, मैं आपसे और गोरखपुरिया भौजी से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग सही हो, आप लोग मानते हो कि आप लोग निर्दोष हो, तो भाग क्यों रहे हो भैया? सवाल बनता है कि नहीं? देखिए इस पर तो नहीं आप कह सकते कि हम बात नहीं करेंगे। अगर कोई निर्दोष है तो अगर पुलिस प्रशासन लगाया नोटिस बुलाया तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, चाहे आप हो चाहे हम हो? ठीक है, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि राधा दोषी हैं? क्योंकि अगर नहीं, हमें नहीं कह रहे कि आप कही राधा दोषी, हम ये कह रहे हैं कि आप अगर सही हैं तो प्रशासन के पास जाने में क्या हर्ज है? जिनके ऊपर 9-9 धाराएं लगी हैं वो प्रशासन से बैठ के बात करें। जी देखिए वो अपने वो लोग अपने हिसाब से जाएंगे, हमारे और आपके कहने से नहीं जाएंगे, वो लोग अपने हिसाब से जाएंगे, अपना कुछ होगा नहीं जा रहे हैं। मतलब तो हिसाब क्या, अगर उनको टाइम दिया गया है 9 तारीख को तक, 14 तारीख तक पहुंचने का, प्रशासन का कोई गिनती ही नहीं है, प्रशासन की बात ही नहीं मान रहे हैं, तो प्रशासन अपना काम करेगी ना भैया, हम उसमें क्या कर सकते, उसमें हम अत्याक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं, तो इस मामले में मैं कोई अत्याक्षेप नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि चैनल डिलीट हो जाएगा आपका, क्योंकि चैनल डिलीट करने का बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इस मुद्दे पे मैंने एक वीडियो बनाया था 11 तारीख को, 10 तारीख को बात होती है, 11 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था कि आप लोग वहाँ गए और इतना गलत व्यवहार वहाँ हुआ, और जब मैं 9 तारीख को वहाँ पे थी तो हमको भी आप लोग क्यों नहीं बताया, हमको भी तो बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे वहाँ हम करने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कोई बात है, हम रोकते फिर किन्नर माताएं आ रही हैं तो हम बताते कि ऐसा वहाँ कुछ नहीं किया जाता। मेरे हस्बैंड उसमें बोले ऐसा कुछ नहीं किया जाता, वहाँ कुछ नोटिस दिया जाता है थाने पे, फिर उसके बाद में कुछ किया जाता है। जैसे मैं इस पे कुछ बात करती तो उस वीडियो के बाद से सर मुझे बहुत सारे गाली आने लग गए, मुझे लोग गोरखपुरिया भौजी के जो बेटे हैं। जब से आप लौट के आए तब इस कंट्रोवर्सी चल रही है आप लोग। एक मिनट, गाली किस लिए दिया जाता है? मैं प्रशासन की तरफ से बोल दिया था थोड़ा सा, वो भी किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, किसी के बाप थे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जब दरखास्त दे दिया गया है तो आपको थाने में जाने की क्या जरूरत है न्याय मांगने के लिए? मुजरिम जो को आप ठहरा रहे हैं, जिनके घर में लाश मिली, वो तो जेल में वैसे भी बंद है, बाकी 90 दिन का समय दिया गया है जांच करके पुलिस जो है गिरफ्तार करेगी। आपको अगर थाने पे न्याय मांगना था तो धरना देते, तो आप एक एप्लीकेशन देते, डीएम के यहाँ देते, वकील से बात करते, थाने पे एप्लीकेशन देते, उसके बाद जाके धरना देते, आप बैठते जाके वहाँ पर, पुलिस आखिर खुद पूछती, आप बताना चाहिए था और नोटिस जाके आपको देना चाहिए था। उसके बाद में वहाँ तमाम में किन्नर तांडव मचाते हैं और आप लोग आपस में तांडव मचाए हैं। हम लोग तो थे ही नहीं, पहला नंबर मैं तो था ही नहीं, जो यूट्यूब पर था वो जाने, अब आपको भी उल्टा पलटा आपके भी खिलाफ वीडियो बन रही, हमने देखा था, और इधर से भी आप जवाब दे रहे हैं। मैं बता रही हूँ ना, आप सुनिए तो सुनिए ना, मैं तो था नहीं, ना मैं जानता हूँ। जो तांडो मचा है वो प्रशासन खुद देख रही है वीडियो के माध्यम से, कौन तांडो मचा है कौन नहीं मचाया है। तो देखिए भैया, तो इसलिए मैंने बोल दिया था हम लोगों ने कि ऐसा वहाँ नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है। इसके बाद से भौजी एक वीडियो बनाती हैं, गोरखपुरिया भौजी एक वीडियो बनाती हैं कि मुझे कुछ होता है तो गोरखपुर अयोध्या वाली और वो पहाड़िया, आपको पहाड़िया कहा जाए नहीं, रूपतारा ब्लॉक को पहाड़िया बोलती हैं, हमको अयोध्या वाली, अयोध्या वाली और रूपतारा ब्लॉक, हमको कुछ होता है तो जिम्मेदार ये दोनों होंगे और कुछ 2-4 पत्रकार होंगे, वो पत्रकार नहीं है, पत्रकार के भेष में चैनल चलाते हैं ऐसे ने उन्होंने एक वीडियो डाला। फिर उसके बाद में वीडियो लोग बनाने लग गए, फिर हम भी इधर से कोई वीडियो बनाए, हाँ मैं भी कुछ वीडियो बनाई थी कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, कुछ भी वीडियो बनाई थी, वो अपलोड होगा इतना ध्यान तो नहीं रहता।
फिर उसके दूसरे दिन भाभी ने वीडियो बनाई कि मेरा हमदर्दी जो हो। कौन भाभी आपकी? अरे गोरखपुरिया भौजी। अच्छा, अब क्या बताएं, गोरखपुरिया भौजी हैं वो, कहती भागी भागी फिर रही हैं जी। अरे भागी फिर है, चाहे जैसे फिर है, तो फिर नहीं भाग रही है। अरे कब तक कोई भागेगी, तो आप ही को निगलेगी पहले। अरे ठीक है, मैं कच्चा चबाएगी, मुझे हड्डी भी नहीं छोड़ेगी, मैं निगलने लायक काम करूंगी सर। तो निगल आप बहुत खिलाफ उनके वीडियो बना रही हैं। अब बिल्कुल बनाया जाएगा। आप बताइए, भाभी जी कहती हैं कि आप लोग मेरे नाम से वीडियो बनवाइए, अगर अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे वीडियो? वीडियो बनाने से न्याय उनको मिल जाएगा? अगर आप दोषी हैं या निर्दोष हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप दोषी हैं कि निर्दोष हैं। आप जा करके आप थाने में जाइए, प्रशासन के पास जाइए, वकील के पास जाइए, कानून का आप सहारा लीजिए, और उसके बाद में उकसाने की वजह, मतलब शांति करने को, आपको आपको लगता क्या गोरखपुरिया भैया ये सब करवा रही है? शांति करने को जैसे आप लोग क्या लगता, मैं आप मेरी बात सुनिए, शांति करने की वजह से आप उकसाती हैं कि आप लोग वीडियो बनाइए। आज वही कारण है कि वीडियो बनाने की वजह से मालती जी की जान चली गई है। अगर मालती उनको एक महीना पहले आप अगर उनको बात करके बताती है कोई बात, सुन लीजिए, अगर उनको कोई बात बताती है तो ऑडियो वायरल करती हैं, ठीक है। आज वीडियो बनाने के चक्कर में उनकी जान गई है, उनकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद आज भी कहती है कि वीडियो मेरे नाम से आप लोग बनाइए। वीडियो बनाने के नाम पर मुझे गाली दिलवाया जाता है, धंधा करते है दिलवा रही हैं। कैसे आप कह सकते हैं किसी वीडियो में बोला हूँ? हाँ, बिल्कुल बोले हैं, वीडियो में बोले हैं, बिल्कुल बोले हैं, वीडियो में बोली हैं कि आप लोग मेरे तरफ से वीडियो बनाइए, मुझे सपोर्ट करिए। मैं आप नहीं सपोर्ट करोगे तब कब सपोर्ट करोगे, मुझे कमेंट में मत बताइए, मुझे वीडियो बना के उन लोगों को समझाइए। उसी दिन से मुझे गाली मिली है, चंदा धंधा करने वाली, चंदा ऐसी है, 1000 में 2000 में बड़े प्रकार के मुझे भाई साहब गाली मिलते हैं। गोरखपुरिया भौजी किसकी सपोर्ट की जरूरत है, प्रशासन उसके हाथ में है। अब वो जाने, हम नहीं जाने, वो ऐसी वीडियो बनाई है, मैं सारा वीडियो अपलोड करके रखी हूँ, आपको जरूरत पड़ेगा तो आप हमसे ले भी लीजिएगा। बंदा कहा इस बात को, उसको साक्ष्य देना पड़ेगा। मैं वकील से मैं बात किया हूँ, उसके नाम मैं तहरीर दिया हूँ, मैं उसके नाम FIR करूँगा। यानी गोरखपुरिया भौजी के कहने पर आपको गाली दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं कि वो मेरी माँ है। अरे बिल्कुल भैया, और वीडियो मेरे पास है, वो बोलता है कि वो मेरी माँ है, शेरनी माँ है, तुमको चबा जाएंगी, तुमको खा जाएंगी, चंदा भाभी संभल के रहो, डायरेक्टली मुझे बोलते हैं। इसके पहले क्यों नहीं हम लोगों को वो लोग गाली दिए? चलिए मामला देखिए समाप्त करिए, क्योंकि ये जो YouTube का प्लेटफॉर्म बनाया है कि लोगों को संदेश देने के लिए, कुछ जानकारियां देने के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं कहूंगा, बस प्रशासन जो खिलवाड़ करेगा प्रशासन उसको सजा देगी। प्रशासन से उद्दंडता करना घिनौना काम है। बस अभी आप लोग क्या कहेंगे इस मामले में? इस मामले में प्रशासन बहुत टाइट है, प्रशासन अपना सोच विचार के काम करेगी, वो जो भी होगा पक्ष निपक्ष हो जांच करने का विषय है, वो जांच। बिल्कुल, दोषी कौन निर्दोष है और कौन दोषी है वो पुलिस प्रशासन खुद एक दिन सामने आ जाएगा सबको। कौन दोषी है कौन निर्दोष है तो प्रशासन तय करेगी, ये हम लोग नहीं तय कर सकते, ना तो कोई जनता तय कर सकती है। लेकिन थाने में जो भी उपद्रव उस दिन किया गया, ये बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर उन लोगों को न्याय मांगना चाहिए था तो शांतिपूर्वक न्याय मांगा जा सकता था। लेकिन अभी जो पुलिस का आरोप है, आप लोग देख रहे हैं काफ़ी दिन से वीडियो चल रही है। बाकी आप लोग कमेंट में राय अपनी जरूर दीजिएगा, और भैया भाभी के लिए प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।